हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग और टुडे इज़ ट्यूसडे। अभी मैं छत पे आई हूँ कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने। कल मेरे साथ क्या हुआ कि कल नहीं परसों मैंने आई व्लॉग रिकॉर्ड किया और मैंने इतनी बार मतलब रिकॉर्ड किया, शाम को मैं तुरंत नहीं डालती, मैं नीचे जाके फिर 6-7-8 बजे के करीब मैं व्लॉग डालती हूँ, ठीक है। और बहुत ठंड है अभी छत पे, सही में इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। अरे हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि व्लॉग मैंने बनाया कि भाई मैं डालती हूँ, और कल मैं परसों में व्लॉग डालना ही भूल गई। सब कुछ करा, बनाया बनाया, ऊपर आई थी मैं स्पेशली व्लॉग के लिए, बनाया और डाला भूल गई। फिर मैंने उसको कल डाला, फिर मैंने सोचा कि मैं कल भी एक व्लॉग बना लूँ, फिर मैंने सोचा अब तो अंधेरा ही हो गया, कल सुबह ही व्लॉग जाते हैं और व्लॉग बनाते हैं, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा वरना अंधेरा ही हो गया था ना। तो अब मैं सोचूँ 3 वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कौन कौन सी देख लो। एक तो टेक्सचर आपको पता ही है, आते ही तो गिले रहते हैं, ये देखो सब गिले हैं, ये तो अभी बना ही है। तो एक तो मैं सोचू एक तो इसको रिकॉर्ड करूं, क्योंकि ये बहुत मैं फिर ना मुझे ऐसे कचरा पड़ा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। इसकी जो भी कचरे जैसी वीडियो रिकॉर्ड होगी उसको बना के चलते हैं, और एक वो कर लेती हूँ और एक ये कर लेती हूँ, ठीक है। 3 वीडियो ये हो गए क्योंकि ये प्रॉपर ड्राई हैं मुझे लग रहा है, बाकी तो सब गिले होंगे ही। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो, ये टेक्सचर्स की मेरे को वीडियो बनानी है, और पता नहीं क्यों यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हवा आ रही है यहाँ से, और वीडियो में भी जर 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 के बाद आती रहेगी, पर मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और ये टेक्सचर ना बहुत फैला हुआ पड़ा है यहाँ पे, देखो ये चंक्स हैं, वहाँ स्लैब्स, वहाँ ब्लॉक्स, यहाँ ये। तो मैं देखती हूँ कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि स्लैब्स तो मैं हिला नहीं सकती, और ये भी मुझे पक्का नहीं पता कि अंदर से ड्राई है कि नहीं, पर फिर भी मैं कर रही हूँ इसकी क्रम्बलिंग, क्योंकि मेरे पास यही इकलौता ड्राई होगा, ऐसे होंगे तो बहुत सारे पर ये। और हाँ, एक को नाम भी लेना था मुझे, प्रिचिता ने मेरे लिए इतना अच्छा कमेंट किया, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सबको बहुत बहुत थैंक यू। और प्रिचिता ने कहा था मेरा नाम भी व्लॉग में ले देना, तो जी ले दिया आपका नाम प्रिचिता, और आपके लिए क्रम्बलिंग मैं बाद में करूँगी, पर इसी व्लॉग में करूँगी, पर बाद में। ओके बाय बाय। सो मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और इस वीडियो में तो मेरे हाथ की ना इस हाथ की बैंड बच गई, और ये वाला जो टेक्सचर था ना, ये मुझे इससे भी 100 times ग्रिटी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि एक तो वेट क्रम्बलिंग कर रही थी मैं, ठीक है। हाथों की जो बैंड बजी है ना इतनी ज़्यादा कि बस मैं, और मेरे को यहाँ पे ना मैंने टेप इस लगाई थी, क्योंकि मेरे पास जो वाटरप्रूफ बैंडेज होती है वो है नहीं थी, और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी वाटर में, तो मैंने सोचा टेप ही लगा लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चोट लगी हुई है, और ये आते आते अभी लग गई है, अभी मैं निकाल ली थी टब अब। इतनी ज़्यादा मतलब मेरे हाथ को ऐसा लग रहा है कि 3rd degree टॉर्चर मिला हुआ, अभी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। ऊपर से देखो ये वाइट पूरी टी शर्ट थी, ये ख़राब हो गई, चलो कोई बात नहीं, वाइट स्टोल पहन के आती हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो गंदा हुआ तो गई काम से, पर फेस कवर करना भी इम्पोर्टेंट है। इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी है, इसकी 2 सिलेंडर तो मैंने छोड़ ही दिए, इतने ज़्यादा ग्रिटी देखो, मैं तो कभी कभी करूँगी इसकी क्रम्बलिंग ही नहीं हो रही इसकी, इसको फेंक के मारते देखते टूटता है कि नहीं। ओह वाओ, नाइस क्रम्बलिंग, ऐसे टेक्सचर की फिर ऐसी क्रम्बलिंग होती है। अब यहाँ पे एक शेप है, इसको हम ब्लॉग में क्रम्बल करते हैं, वैसे एक वीडियो और रिकॉर्ड करनी है मुझे, पर बस अभी 2 मिनट का ब्लॉग बना के फिर करती हूँ। यहीं पे मिल गया हमारा षड्यंत्र, उल्टे हाथ से कैसे करूँगे, इस हाथ में चोट लगी है, मिट्टी में डाला जा रहा स्टोन, सो ये प्रीचिता के लिए, और ये मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए जो कह रहे हैं कि अब उसे हम भी अपना नाम देंगे, हम अपने नाम देंगे क्रम्बलिंग कराएंगे, ये उनके लिए। और ये जो नए सोच रहे उनके लिए, और ये सबके लिए,
थोड़ी बढ़िया सी क्रम्बलिंग कर लेते हैं। वाओ नाइस। मैं ना ये वाला पार्ट पहले डाल दूंगी। ठीक है तो और इसमें टाटा बाय बाय कर रही हूँ। ओके भाई रुमा का तो दिखा दूँ सीन। ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है अभी, बिल्कुल मज़ेदार तो है पर मेरे हाथों को थर्ड डिग्री टॉर्चर मिला है ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। देख लो ग्रिटीनेस, जो लोग भी कहेंगे ना इसमें ग्रिटीनेस नहीं है उनके लिए आइए। ठीक है तब ये रहा। और ड्राई क्रम्बलिंग करने के बाद ना मैंने इसमें डाल दी थी वरना टेक्सचर ना बिखरा बिखरा हो जाता है। अब ना सॉफ्ट शेप से बनानी है। क्रम्बल हो जा रहे हार्ड हुआ बड़ा। इस इनको देख लेते हैं इनके पास आ जाते हैं थोड़ा सा। चलो एक तीर से दोनों सामने। सारी शेप इनसे टूट गई है। अब भी जब भी मेरे पास टाइम होगा ना आऊँगी उनकी शेप बना जाऊँगी। अब लगभग मैं फ्यूचर प्लान के बारे में आज कुछ नहीं बोलने वाली, मतलब वरना पता है ना वो होना ही नहीं है। मंडे और सैटरडे सॉरी संडे सैटरडे की मैं अपडेट देती रहती हूँ बट उसके बाद कोई अपडेट नहीं देनी। अब इसको कैसे तोड़ें, अभी भी नहीं टूटा, टूट गया टूट गया। सारी शेप्स ऐसे तोड़ देते हैं। ये नई तरह की क्रम्बलिंग इन्वेंट की है। ठीक है बहुत मस्त टेक्सचर है पर इसने ना एक बार औकात दिखा दी।